नमस्कार, स्वागत है आपका द इंडिया टॉप में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। तेजस्वी यादव, लगातार इन दिनों बेरोजगारी को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के और महंगाई को लेकर के मुद्दा उठाते रहते हैं और मीडिया के सामने अपनी बात को रखते हैं। आज मौका था मिलन समारोह का। मिलन समारोह में तमाम नेताओं के सामने और तमाम राजद समर्थक के सामने नीतीश कुमार को खूब सुनाया खरी खोटी। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि जिस तरह हमने चुनाव में से पहले वादा किया था कि दवाई सुनवाई और सिंचाई की बात, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आपको विश्वास नहीं होगा कि बिना गांधी जी दिए कोई काम होता है। उन्होंने तमाम चीजों को लेकर के आज बात रखा है और साथ ही उन्होंने कहा है कि हमने जब सरकार में आने के लिए चुनाव जब लड़ा तो हमने कहा था कि हम जब सरकार में आएंगे तो पहली कलम से 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकारी नौकरी तो मिल ही नहीं सकती इतने, लेकिन बीजेपी ने फिर कहा कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। तो तमाम बातें उन्होंने आज अपने मंच से कहा है। आगे क्या कुछ कहा है आपको ये वीडियो सुनना चाहिए। अभी लोगों को क्या आवश्यकता है, लोगों की क्या जरूरत है? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई, यही चाहिए लोगों को। आज बताइए, पढ़ाई चौपट हो गया, दवा कहीं मिल रहा है, इलाज कहीं हो रहा है, कमाई किसी को रोजगार मिल रहा है, जिसको रोजगार का भी छीन लिया है, सिंचाई की क्या व्यवस्था है? आप लोग सब लोग जानते हैं किसान की हालत क्या है। अभी यूरिया का जिक्र किया जा रहा है, अब बताइए यूरिया का जो जिक्र करना जा रहा है, लोग देखने लाइन में लोग लगा हुआ है, रैपिड एक्शन फोर्स लगाया जा रहा है, जहां विश्वास के लोग यूरिया सस्ते देकर बांटने का काम, लोग बाढ़ और खाद से लोग परेशान हैं। लेकिन सरकार क्या करती, कई जगह ऐसी बारिश हुई जहां फसल बर्बाद हुआ, चौपट हो रखा है, रोजगार नहीं मिल रहा, इतना अपराध बढ़ गया है, इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है। ब्लॉक लेवल में चले जाइए, थाने में चले जाइए, बिना गांधी जी दिए हुए कोनो काम नहीं हो रहा। ये सच्चाई है। घोटाले पे घोटाले, लगभग जो है 70 से ज्यादा घोटाले हो गए इस डबल इंजन की सरकार में, लेकिन किसी एक अधिकारी पर एक कार्रवाई हुआ हो, किसी एक मंत्री पर एक कार्रवाई हुआ तो आपको बता दीजिए। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव ने भरी मंच सभा से क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ना तो दवाई की मिल रही है, ना तो सिंचाई मिल रही है, ना तो किसी काम पर कार्रवाई हो रही है। लगातार जिस तरह से कहें भ्रष्टाचार बढ़ती जा रही है, हर विभागों में बिना पैसे के लेन देन कोई काम नहीं होता है। तो उन्होंने क्या कुछ कहा है आपने सुन लिया है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।